ठीक बानी नू ठीक तो नहीं की हो तो हम खुलता सीने में दर्द तो खासला से दवाई खानी है दवा के बाद क्या वेला ठीक भाई एक मिनट आ एरानी हां एने आओ तो बाबू हम बुझा तक दिए बना देखो भाई बाबूजी के दवाई बा ये तीन टाइम पिया के बा सवेरे 12 बजे शाम के ये बरा खाना खा ले बनी बाबूजी ये दवा में से दो दो ढक्कन पिला दी है ये बरा आ दोपहर में भी पिला दिया हम जाते नहीं ड्यूटी जान लो का कन्या ही रा और बाबूजी रहुआ दवा पियाई हम जाते नहीं सिर चाचा बैठा ला रहे में जो दवा पियावे खाती हम तो दिमाग खराब बा हम बैठ के दवा पिलाई बाबूजी के कमाए ना तो खइबे कहां से आ तोरा शिव चाचा से जरूरी बाबूजी के सेवा कइल बा सारा शिव चाचा एक तरफ बाबूजी के सेवा एक तरफ तोरा स्वर्ग में जाएगा बानू तो शिव चाचा से ना मिली बाबूजी के सेवा कइले से स्वर्ग मिली समझ ले हां नो ये बुढ़ाओ के सेवा हम करिए जा स्वर्ग नहीं खे शिव चाचा में स्वर्ग बा जा तनी हम मोही जा ना मन बते ना अजी मेरा रुपी आई ए बाबूजी की सेवा छोड़ के शिव चाचा सुने चल गए ठीक बा हम चलते नहीं जैसे शिव चर्चा करावता वही जा चल के उनका से बात करते हैं बाबू जी ये दवाई पी ली ठीक बा आई बाप अभी ले सुतले भी है नौ बज गई हमारे ड्यूटी जाए के टाइम हो गया बा ए उठ उठ खाना वाना बन गई को बजे था नौ बज गए ड्यूटी ना जाए नौ बज गई हाँ हमें शिव चर्चा में जाए के रो गुरु बन इंतजार कर चुकी हो हमार सोना ना खाना बना के रख दियो और खा लियो और हम खा से रख दियो आन तो से खा ले हम खाना बनाई तो का हो जे एक दिन खाना बना देबो तो बना के रख दियो और खाइयो लियो हम जा चली बाप रे कौन शिव चाचा करती है कि अपना मोरल से कहती है खाना बना के खा के जा डिप्टी का जाने कौन एक चाचा कराओ तल्लो चल तानी गुरुजी से एकर कंप्लेंट करे कि बताई रो का एकरा के शिक्षा देता नहीं कि अपना मर्डर से कट के खाना बनावे के चलता नहीं चार सप्ताह से हमरा पति जी के तबीयत खराब रहला यही से हम शिव चर्चा में ना जा रहे हैं लेकिन अब तो वहां के शिव महाराज की कृपा से ठीक बानी आज हम चला तनी शिव चर्चा में Thank you.
गुरु भाई प्रणाम। का बात बा? बात यह बा, हमारा बाबूजी के तबियत खराब बा। अपना मेहराजू से कहनी है कि थोड़ा बाबूजी के सेवा करो, इनके अगर टाइम से दवाई खियाओ। कहती है राहुल बाबूजी हैं, रहुआ दवाई खियाई, रहुआ सेवा करी, बताई कि हम कमाए ना जाए, कमाए ना तो खाई का। रहुआ लोग का सिखाओ तनी महाराज, तनि सिखाई कि बड़ लोग के इज्जत करे, बाप मातारी के सेवा करे, ओकरा से बड़ा गुरु चर्चा बा कुछ। तब कहे करते थे महाराज, अगला जब हमनी के चर्चा हुई यही विषय में हमनी के चर्चा कर बात ये बा, बताई हमारे मेहरानू शिव चर्चा कर ले, शिव चर्चा करो, हम ओकरा के नहीं रोक, लेकिन घरों के तो काम करे के चाहिए नू। बताई हमारे ड्यूटी जाए के वलसा सवेरे 6 बजे जगह के मुखिया जी के लिए कहले नहीं, कहनी है खाना बना के रखो, हम आए तो ड्यूटी जाए। देखो था नी 9 बजे नहीं है तो सुतले भैया कहतिया कि खाना बना के खा ली हो, हमरो खातिर बना के रख दो, हम आए शिव चर्चा से खाना खाए। लोग बताई सब ठीक बा? कैसा कोनो बात शिव चर्चा में ना सिखाई, पति के सेवा मत करो, पति के सेवा पहिलका धर्म हो। एकरा बारे में हमनी के अगला जब चर्चा होता शिव चर्चा हमें विस्तार पूर्वक यहाँ के कम्प्लेन चाहे जे भी कम्प्लेन करता सब पर हमनी के चर्चा करें, विशेष रूप से शिव चर्चा के बदला में वही पर चर्चा हुई। शिव चर्चा जब होके जाता तो उस शिव चर्चा में विशेष हमनी के यह ध्यान रही कि पति धर्म के बारे में, माता पिता के सेवा कैला के बारे में सब बतावल जाय, काहे से कि तरह तरह के कम्प्लेन आवता। हमनी के सबसे पहलका तो यही प्राथमिकता बा कि अपना समाज के, अपना माता पिता के सेवा करके, अपना पति के सेवा करके, आ तब जा करके जो है शिव चर्चा में आवे के बा, आ शिव चर्चा के तबे सही फल मिले। माने अभी तक ले लोग जे भी शिव चर्चा में जाता ओकरा ये समझ में आते नहीं के कि शिव चर्चा में हमनी के जाए से पहले भी कोनो कर्तव्य बा, जवना के हमनी के पूर्ति क के ओकरा बाद हमनी के शिक्षा अगला बेर विशेष एही पर ध्यान रखे। हां ये होई, हां सही है, ध्यान रखे। हां गुरु भैया, जो अगला श्री चर्चा होई तने परिवार के बारे में नियम से ये समझावल जाई। हां गुरु भैया एकदम ठीक कहतनी, अगला बैठक में ये चर्चा एकदम मतलब करही के पड़ी। गुरु भैया प्रणाम। तो दू खाटा हम घेवड़ा रोपले बनी, उजी गया ला, हम गरीब आदमी बनी, आ दू गो औरत शिव चर्चा में के झोरा में बढ़ के हमारे घेवड़ा तुर के लेके जात्र लग, तो बताई मैंने शिव चर्चा में ये कुल सिखावल जला। गुरु भैया इतना कम्प्लेन कम्प्लेन आवता, अगला बार हमनी के जौन भी शिव चर्चा हुई वही के एक बारे में चर्चा कर जरूरी बा, खाली हई कम्प्लेन वाला चर्चा हुई। आहे से मान ली कि हमनी के शिव चर्चा करतनी सो गांव गांव में शिव चर्चा के सबके शिकायत हो, शिकायत हुई हमनी के कहीं भी जाए जाई तो लोग हमनी के हे दृष्टि से देखी है। ना ना अभी पर एकदम विशेष ध्यान रखे के बा, बस वो समाज के बारे में, माता पिता के बारे में, ओकरा बाद धर्म के बारे में, चोरी चोरी चकारी सब कुछ एमे कितना अच्छा बात बतावल जाला हमनी के चर्चा में, आई के उल्टा ही लोग कर रहल बा। अगला बार हमनी के मुख्य रूप से यही पर चर्चा कर जाई, जावना से जितना भी गुरु भाई गुरु बहिन बाल हो सब केहू समझ जा, सही रास्ता पकड़, आ शिव चर्चा के माने समझ के अपना घर गृहस्थी में मिला गेलू, अपना घर के बूढ़ के सास के ससुर के सेवा तहल करूँ। ठीक बा, सही बात बा, तो चली लूँगी। हाँ हाँ सही, ठीक ठीक बा। गुरु भाई यही से तोहनी लोग मोड़ई के मोड़े रह गई, वो बेचारी के दू महला बन गई। अपने से बताओ कि का बोलती तो लोग घरे करोड़
अपना सास के ससुर के सेवा तो हम करू ले लो। अगले सोमवार के आवत रही तो हम के कहे कि बाबूजी के सेवा पानी करते रह दावा दे दिया हम के कहीं छोड़ छाड़ के सिर चाचा में चल गए। अच्छा मेरे गलती को तू बताओ सुने के तनी। हां हां सर अगले सोमवार के हम 9 बजे तो सुते रह गए तू कहां भी जल्दी जल्दी खाना बना के देख दो हम छोड़ छाड़ के चलियो। देख लो शिव चर्चा के मतलब ई ना भई अपना पति के अपना सास के ससुर के अनादर करके आ शिव चर्चा में आवल। शिव चर्चा के मतलब ई होला कि अगर तहरा सास के ससुर के तबियत खराब बा तो पहले सास ससुर के सेवा टहल करके ओकरा बाद शिव चर्चा में आवे के अपना पति से कहतारू कि खाना बना दियो अपने खा लियो ओकरा बाद डिप्टी चल जइयो ई पत्नी के धर्म ना होला। तहरा धर्म बाकी सवेरे उठ के पहले खाना बनावे के बाद खाना बना के अपना पति के खिया के ओकरा बाद शिव चर्चा में समय मिले तो आई ना तो घर ही पर बैठ के रहो शिव चर्चा कर सकी। बात तो हमेशा बताओ बात सही हम तो बताई नहीं सो लेकिन उल्टा ही लो समझे ला लो आ कहत रहो कि रंजना के तो रंजना अपना पति के सेवा करेली अपना सास के सेवा करेली तब उनकर एक महला से दू महला उनकर छत पिटा गेल बा। आज से तहनियो लो कसम खा लो कबो भी गलत काम ना कर बोलो झूठ कबो ना बोल बोलो काहे से इतना लो शिव चर्चा में आओ तलो मान लो कि उनकर दुताला हो गए तो तहन लोग के दून आदमी के जलन हो गए रहला तो जलन ना होके चाहिए अगर जलन होता तो तहन लोग के शिव चर्चा कई व्यर्थ बा। सास ससुर के जे सेवा जरूर करम सर। हाँ ये गुरु भैया पहले सास ससुर के सेवा तहल क के आए और खाना बना के हसबैंड के खिया के आए पहले घर के लोग के सेवा क के आए ना मिल टाइम तो ना आए झूठ ना बोले माज से बबनी बोल तो जाए करा। अरे हरे महादेव।